नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी को भी बजा दें ताकि परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सकें। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार है बोराट का पठार। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? उत्तर है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। सुमिलित करें, रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में, जरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में। राजस्थान के पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखें, सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक है खो, तारागढ़, रोजा भाकर, बैराट। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 213,688 वर्ग किलोमीटर। अरावली के सबसे निम्न शिखर कौन सा है? तारागढ़। राजस्थान के दक्षिण में से होकर गुजरती है करक रेखा। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? हाड़ोती के पठार में। सिरोही जिलों में तीव्र ढाल युक्त एवं कटीफटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है भाकर। बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। ऊपरमाल का पठार किस में मिल जाता है? मालवा के पठार में। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है A.M. हैरान में। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है A.M. हैरान। अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? अवशिष्ट प्रकार के। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? उत्तर है कार्बोनिफेरस युग से। निम्न में से अंतरपर्वतीय मैदान नहीं है? उत्तर है कपासन। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठार स्थित है बोराट का पठार। जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है भोमट का पठार। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? चार भागों में। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, लूनी बेसिन। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, जोजड़ी। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांड। वह भूमि जिसमें कुआ, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है चाही भूमि। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? उत्तर है झालावाड़। सुमिलित करें, शेर सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। अरावली श्रेणी राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? उत्तर है उत्तर पश्चिम। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है? अरावली। राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? कैम्ब्रियन पूर्व युग में। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चोटियों की पंक्ति। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कितने राज्यों में फैली हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी किस रचना क्रम से है? देहली क्रम से। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली है? 9.3% में। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? सिरोही। राजस्थान में अरावली श्रेणी की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सापेक्षी दृष्टि से राजस्थान के किस भूआकृतिक प्रदेश का भाग जो अस्पष्ट अध्यय पर्वत क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर।
अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। किस दिशा में अरावली पर्वत श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है? उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम दिशा। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है किसके सारे? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे। सीफ क्या है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। राजस्थान का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है? कोटा झालावाड़। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? गोडवाड़ बेसिन। नागौर चूरू झुंझुनू और गंगानगर में से कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है? गंगानगर। राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली के कामली घाट स्थित है? राजसमंद पाली। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं में व्याप्त है। थार शब्द का क्या अर्थ है? मरुभूमि। पाली सिरोही नागौर और सीकर में कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? उत्तर है सिरोही। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है पश्चिमी भाग। राजस्थान में अरावली श्रृंखला का विस्तार की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? सीकर। अरावली व पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं देसुरी नाल व हाथी दर्रे। थार मरुस्थल को इस नाम से जाना जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ताल छापर और पढ़ियार रन क्षेत्र हैं शेखावाटी क्षेत्र में। व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदानी भाग। राज्य में तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है उदयपुर। अरावली पर्वत श्रेणी नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है लूनी और बनास नदी। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी भाग में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में स्थित पठार का नाम है बोराट का पठार। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रों को घेरे हुए है? 60%। 60% से अधिक। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती के पठार में। राजस्थान के कुल भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? दो तिहाई भाग। बरखान क्या है? विशेष आकृति के बालू के टीले। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग कहलाता है ऊपरमाल। लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी। शेखावाटी में कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? जोहड़। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्व। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है उत्तर पूर्वी। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। छप्पन बेसिन जिस जिले में स्थित है वह है बांसवाड़ा। आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है काष्ठ जीवाश्म उद्यान। राज्य में दक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है झालावाड़ कोटा। आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह काष्ठ जीवाश्म उद्यान। राज्य में दक्कन ट्रैप शैल विद्यमान है झालावाड़ कोटा। मालानी आग्नेय शैल समूह का कारण है कारण क्या है? जालोर ग्रेनाइट उद्योग। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान में विद्यमान है? 62%। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सिरोही में। कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़ लीलागढ़ कुंभलगढ़ तारागढ़ में से तारागढ़। राजस्थान किस जिले में जरगा पर्वत है? तारागढ़ में। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? शेर 1597 मीटर सिरोही में है ये। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? अचलगढ़ तारागढ़ शेरगढ़ जरगा में से जरगा। आंसर है जरगा। राजस्थान में मरुस्थल पार्क या राष्ट्रीय मरुधान कहाँ स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? नाचना गांव। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति के कगार पर है? गोडावन।